So, my dear students, I welcome all of you. This is Modern History MCQ series. So, let's get started. So, question number one is: The first newspaper which was published in India was the Calcutta Gazette, the Bomba Bombay Gazette, or Orient in Oriental Magazine of Calcutta, Bengal Gazette. So, yes, the right answer uh, for this question is the first newspaper which was uh, published in India was, and yes, option D is the right answer, the Bengal. गैजेट और इसका इसको हम एक और नाम से बोलते थे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर राइट कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ओके लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन हिकीज कीज गैजेट वॉज एन इंग्लिश न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम कोलकाता जो उस टाइम हम उसको कलकत्ता बोलते थे ठीक है इट वॉज द फर्स्ट मेजर न्यूज पेपर इन इंडिया स्टार्टेड इन सेवनटीन एटी कब 1780 में जो स्टार्ट हुआ था इट वॉज पब्लिश फॉर टू इयर्स दो साल तक पब्लिश हुआ था फाउंड किसने किया था फाउंडेड जेम्स जेम्स हिक्की अगस्त अगस्त हाईली हैड प्रीवियसली स्पेंड टू ईयर इन जेल फॉर डेट तो 1780 में ये स्टार्ट हुआ था जेम्स अगस्त हिक्की ने स्टार्ट किया था बेंगाल गेस्टिकंग्लिश न्यूज पेपर लखनऊ पैक्ट वॉज अ डील बिटवीन लखनऊ पैक्ट किसके दरमियान डील थी Indians and a bridge about legislative seats. Hindus and Muslims regarding seat sharing in legislatures. Depressed cla castes and Brahmins about job reservations. Hindus and Sikhs about job reservations. Choose the right answer. एंड दस द राइटर ऑप्शन बी हिंदूज एंड मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग लाइट्रेचर्स उन्हीं के बीच में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट हुआ था उसी को लखनऊ पैक्ट बोलते हैं लखनऊ पैक्ट वॉज डील बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इट वॉज ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्थ एट लखनऊ नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन में लखनऊ पैक्ट हुआ था कॉटेड नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन में लखनऊ पैक्ट हुआ था ओके okay. Who among the following leader presided the historic 1916 Lucknow session of the Congress? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1916 में ये हुआ था लखनऊ में बहुत मशहूर सेशन है इसको इस लखनऊ सेशन ऑफ 1916 को प्रेजाइड किसने किया था हु वॉज द प्रेजिडेंट एट दैट टाइम ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड ये द राइट आंसर इज़ अच्छा ऑप्शन क्या के यहाँ पे एनी बेसंत है मदन मोहन मालविया है अंबिका चरण मुजुमदार है सुभाष चंद्र बोस है एनी बेसंत जो है ना शी शी इज द शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन में प्रिजाइड किया था मदन मोहन मालविया ना जो मदन मोहन मालविया जो है ना हिंदूता पे ज़्यादा जोर देता था मुस्लिम लीग के बिल्कुल खराफ रहता था, था। सुभाष चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस एक ये जो ये क्या करते थे कि इन्होंने ये बोलता था कि मिलिट्री से डिसप्लिन उन्होंने सीखा और इनको बहुत अच्छा लगता था ये चाहते थे कि बड़ी इंडस्ट्रीज हो और ये जो है बहुत एक एक एक्सट्रीमिस्ट तरीके से चाहते थे थोड़ा सा ये ब्रिटिशर्स से फेस टू फेस लड़ना और गांधी जी थोड़ा सा इनकी इन, उनकी एक जो अपना जो अप्रोच था वो थोड़ा डिफरेंट था सुभाष चंद्र बोस जो है आ, वो प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के आ, फिर नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइन इन्होंने में इन्होंने जो है रिज़ाइन किया फिर वहाँ से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर उसके बाद ये कमांडर बनी इंडियन आर्मी के भी और ये इंडिया से एक सीडो नेम सीडो ने मतलब फॉल्स नेम लगा खुद के खुद का एक अलग फॉल्स आइडेंटी कार्ड बनाया और यहाँ से भाग गए चोरी चोरी और फिर ये सिंगापुर गए जापान गए ठीक है जर्मनी गए और वहाँ से इंडियन की जो आज़ादी है उसके लिए काम किया सो so, जो प्रिजाइड कर रहे थे लखनऊ सेशन नाइनटीन में इंडिया नेशनल कांग्रेस का सेशन वो थे अंबिका चरण मजूमदार ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर और इसको याद रख लेना अंबिका चरण मजुमदार प्रिजाइडिड ओवर द 1899 बंगाल प्रोविंस कॉन्फ्रेंस एट कॉन्फ्रेंस एज वेल एज टेन कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता जो क्या है बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस भी से प्रजाइड की थी दो बार ही एज सर्विड प्रेसिडेंट ऑफ थर्टी फर्स्ट द इंडियन कांग्रेस इन 1916 हंड्रेड सिक्सटी द फेमस लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड ऑल्सो मॉडरे केम टूगेदर वन अगे 1916 में एक तो लखनऊ पैक्ट हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ठीक है दूसरी एक चीज़ 1916 में क्या हुई थी जब 1907 में सूरत सप्लिट में क्या हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए थे तो वो फिर से मिले कब 1916 में वो फिर से मिले और इसके लिए बहुत काम किया एनी बेसत ने और तिलक ने भी जो है उसके साथ कोऑपरेट किया अ न्यू पीरियड इन डायजेश लाइफ बिकेन इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन एंड शी बिकेम एक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड गेव अ लीड बाई क्लाइमिंग होम रूल फॉर इंडिया नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन में जो है एक नया फेज किसकी लाइफ में स्टार्ट हुआ uh, अम्बू स्वामीनाथन मालाती पतवर्धन एनी बेसन अम्बू जमाल एंडिया इज द रंसर इज ऑप्शन सी A new period in Annie Besant's life began in 1913 when she became active in Indian politics and gave a leading lead by claiming Home Rule for India. She entered politics because she saw that India's independence was essential for her age old wisdom to become a beacon for the whole world. The Home Rule movement she organized spread all over India. any Besant the Home Rule movement in September 1916? अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी वो तिलक ने स्टार्ट की ठीक है? हैल गुरु महात्मा गांधी किसको मानते थे पॉलिटिकल गुरु फेरोशा मेहता बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले दादाबाई नेहरू जी दादाबाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है ठीक है इसने तीन दफ़ा प्र, प्रेजाइड किया इंडिया नेशनल कांग्रेस को और आ, जो फेरो शाह मेहता थे ना ये मॉडरेट एक थे मॉडरेट लीडर थे ठीक ओके okay, बाल गंगाधर तिलक एक, एक, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ठीक है अब यहाँ पे बात पूछी गई है कि गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको रिकॉगनाइज करे थे द आंसर इज ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ मेंटर टू तो बोथ मोहम्मद अली एंड महात्मा गांधी बॉर्न ऑन मे नाइन एटीन सिक्सटी सिक्स ही इज़ नोन टू बी अ अन्टर टू महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड रिफॉर्म विदिन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दिंदू कॉलेज कॉलेज में स्टार्ट हुआ था मुंबई मद्रास पौडीचेरी चूज द राइट ऑप्शन कहा कलकाता हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन एटीन हंड्रेड से बाय राजा राम मोहन राय 1817 में किसने किसनेब्लिश किया था राजा राम मोहन राय ने किया था हिंदू कॉलेज और राधाकांत देव एंड डेविड हैरिस सर एडवर्ड हेस्ट भी इसके साथ थे बद्यनाथ मुखोपाड़िया एंड राम से दाद भी इनको साथ दे रहे थे कलकत्ता में इन्हें किया सेवनटीन में हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ हु हुई टू मेक द फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल कंपनी थॉमस आर्थर कॉमेट दी लेली गोद्यू ला बॉर्डोनेस जॉसफ फ्रें फ्रेंको डुप्लेक्स ठीक है सो यस द राइट आंसर ऑप्शन डी डुप्लेक्स बहुत ही मशहूर भी था जॉसफ फ्रेंको डुप्लेक्स वॉज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पोडीचेरी ही वॉज अ राइवल ऑफ रॉबर्ट क्लीव जब uh, जो कार्नेटिक वार्स हो रहे थे तो बिल्कुल ही अपोजिशन में थे जिना गेव हिज अपोजिशन टू वेवल प्लान इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट जिना ने वेवल प्लान जो था उसको अपोज किया जो प्लान वाली जो कॉन्फ्रेंस थी और ये कहाँ पे हुई थी दिल्ली शिमला कलकत्ता मद्रास एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शिमला में हुई थी कॉन्फ्रेंस जिना गेव इज अपोजन प्लान इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट शिमला ठीक है शाबाश इन नाइनटीन थर्टी सेवन द कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन सेवन स्टेट नाइन स्टेट्स फाइव स्टेट फोर स्टेट्स उस टाइम प्रोविसेज हुआ करती थी तो आपको पता है कि कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी नाइनटीन थर्टी सेवन में तो कितनी प्रोविंस में कितनी स्टेट्स में इंड याज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन नाइनटीन थर्टी सेवन कांग्रेस हैड क्लिन मेजार्टी इन क्लीन मेजॉर्टी इन फाइव प्रोविसेज यूनाइटेड प्रोविस जो आज का उत्तर प्रदेश है मद्रास बिहार सेंट्रल प्रोविसेज उड़ीसा एंड फॉर्म इट ओन गवर्मेंट इन फाइव प्रोविंसेज गॉट इट ओके हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो बनी थी इंडिया में उसके जो कमेटी बनी थी यूनियन पावर्स कमेटी उसका चेयरमैन कौन था तो यहाँ पर एक और मैं बात मैंशन करना चाहूँगी जैसे इसमें क्लीन मिजाट की बात की गई फाइव प्रोविसेज में लेकिन अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करेंगे तो आठ प्रोविंस में कांग्रेस uh, ने बनाई थी uh, आउट ऑफ इलेवन जो इलेक्शन हुई थी ना वो मद्रास में यूनाइटेड प्रोविंस में सेंट्रल प्रोविंस बिहार ओडिशा आसाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल पंजाब मुंबई एंड सिंध में हुआ था ठीक है और एट आउट ऑफ इलेवन प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी ठीक है तो यहाँ पे आप ये याद रख लेना 28 मंथ रूल था ये कांग्रेस का 28 मंथ तक इनने रूल किया था तो अब बात आती है यूनियन पावर्स कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बनी थी एक कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर अलादी कृष्ण कृष्णा स्वामी आयर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी यूनियन पावर्स कमेटी उसका जो चेयरमैन था वो था ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ चेयरमैन ऑफ द यूनियन पवर्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट असम्बली गॉट इट ओके एज पर कैबिनेट प्लान द स्ट्रेंग्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी एज पर कैबिनेट मिशन प्लान जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की स्ट्रेंग्थ क्या थी ठीक है लेकिन जो कि कैबिनेट मिशन प्लान नहीं बोला था उसने कितना बोला था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की स्ट्रेंग्थ क्या रहेगी थ्री एटी नाइन टू एटी नाइन टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी and yes the right answer is option a as per cabinet mission plan the strength of the construct assembly would be 389 नवंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोटी नाइन इज़ अ सिग्निफिकेंट डे इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बिकॉज ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इंडिया टुक अ प्लेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टिड ऑन दिस डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्टीट्यूशन वॉज पॉसड ऑन दिस डे और सबक पता है ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है तो ऑन ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन कॉन्स्टूट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट केम टू इफेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइटी फिफ्टी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन और ये फोर्स में कब आया ये आया ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को फिर फोर्स में ठीक है शाबाश विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंटेंड इन द क्रिप्स ऑफर क्रिप्स ऑफर में इनमें से क्या नहीं था डोमिनियन स्टेट्स टू इंडिया क्या उसने बोला था क्रिप्स ऑफर ने कि मैं डोमिनियन स्टेटस दूंगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बोला था कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट राइट टू टेक पार्ट इन हाइस्ट काउंसल्स ऑप्शन सी जो है ना ये कैटेगोरिकली उसमें अपोजिट था कि कंट्रोल ऑफ़ डिफेंस ऑफ इंडिया द इंडिया नेशनल गवर्नमेंट नहीं था बिल्कुल इन्हें बोला था डिफेंस जो है और कम्युनिकेशन वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा सो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आएगा कंट्रोल ऑफ़ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय इंडिया नेशनल गवर्नमेंट वॉज नॉट कंटेन इन द क्रिप्स ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमट इज इनकर अबाउट द एक्ट ऑफ नाइनटीन हंडी नाइन हंड्रेड नाइन एक्ट जो था इसके बारे में क्या इनकरेट है ब्रिटिश इंडिया मस्ट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिश एम्पायर रेस्पॉसिबल गवर्नमेंट शुड भी रियलाइड ऑल इन प्रोग्रेसिव स्टीज प्रोविशल सब्जेक्ट्स क्लास वन टू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज डॉन आउ द रेवन्यू इंडियन जो है गवर्मेंट तो बेसिकली इसका जो आंसर है ना इनकरेक्ट क्या है? Okay, है। पे जो explanation दे के है. So, इस, आ, जो थोड़ा गलत इस ना मैंने आपको बोला है कि ये जो एक्ट है इसके बेसिस पे डायर की इंट्रोड्यूस की गई थी और कहां पे की गई थी प्रोविंसेस में ठीक है और प्रोवेंशल uh, सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में uh, जो है डिवाइड किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स लेकिन इसमें यह बात की गई थी जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की दैट शुड नॉट बी दैट वॉज नॉट टू बी ड्रॉन बाई इंडियन गवर्नमेंट रेवन्यूज बट ब्रिटिश एक्सचेकर से उसको ड्रॉन किया जाएगा तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू गांधी अहिंसा कुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन ट्रूथ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ लॉ टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग एंड अनजस्ट Doing good even to the evil doers. तो अहिंसा गांधी जी का आ, के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे सत्याग्रह और अहिंसा नॉन वायलेंस वो चाहते थे कि हम आजादी ले ब्रिटर से बट वायलेंस क्रिएट ना ना हो नॉन वायलेंट तरीकों से ठीक है Uh, तो सत्याग्रह में ऑब्वियसली सच्चाई का साथ देना है ट्रुथ भी था पॉजिटिव स्टेट ऑफ लॉट डूइंग गुड इवन टू द दिल डोर्स तो गांधी जी का ये भी कहना था कि अगर ब्रिक्श आप जुल्म कर रहा है उनके खिलाफ गलत मत सोचो बट यस ऑप्शन सी टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग एंड अनजस्ट उसको टॉलरेट नहीं करना है बट यस yes, uh, गलत का साथ नहीं देना है आप मुझे सच्चाई का साथ अगर आपको उसके लिए मुश्किल भी उठाने पड़े सच्चाई का साथ देना है सो ऑप्शन सी हेयर इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू गांधी अहिंसा और नॉन वायलेंस हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग ऑल्सो

रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट उसके अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल और जो है चार काउंसलर जो है ना अपॉइंट किए गए थे किसके लिए बंगाल बंबई मद्रास सूरत एंड यस ऑप्शन ए बंगाल के लिए जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना उसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया सो ऑप्शन ए हीज द राइट आंसर द एक्ट डिजाइंड इट्स चीफ एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड काउंसिल ऑफ फोर मेंबर्स वर अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल एड हेस्टिंग्स एंड काउंसलर्स फिलिप फ्रेंसिस क्लैवरिंग मानसून एंड बारवेल वेमड इन द एक्ट तो वैरन हेस्टिंग्स पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले गवर्नर लॉल बने फिर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बैंडिक तो फिर लेकिन लास्ट गवर्नर जनल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग फिर वही बने पहले वॉइस रहा लॉर्ड कैनिंग और लास्ट फिर लॉर्ड माउंट बैटन ओके इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ पेट्रोनेज ग्रोइंग क्रेज फॉर इम्पोर्टेड गुड्स स्टिफ कम्पटन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड ऑल ऑफ दसलीज ऑल ऑप्शन जो है दीज आर द रीजन्स फॉर रैपिडली डिक्लाइनिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट लैक ऑफ पेट्रोनेज ग्रोइंग क्रेज फॉर इम्पोर्टेड गुड्सटिफ कम्पिटन फ्राम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड Got it. Okay. So option D. Indian handicrafts rapidly declined due to lack of patronage, growing craze for imported goods, set of competition from the machine-made goods of England. When Gandhi Irwin Pact was signed, the Secretary of State for India was. जब गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था यह कब साइन हुआ था यह हुआ था 1931 में जब 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो वैशनल कॉन्स ने ज्वाइन नहीं की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद साइन की थर्ड ज्वाइन uh, की लेकिन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से बायकॉट इन ने की सो गांधी अरविन पैक्ट जब साइन किया गया था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था सेल्सबरी कर्जन वेजवुड बैन मोंटेगो इंड इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी व्हेन गांधी पैक्ट वॉस साइन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज वेजवुड वुड बैन क्रिप्स मिशन कैम टू इंडिया इन क्रिप्स मिशन किस साल में इंडिया आया नाइनटीन फोर्टी सिक्स नाइनटीन फोर्टी फोर्टी नाइनटीन फोर्टी में अगस्त ऑफर आया था नाइनटीन फोर्टी टू में क्रिप्स मिशन आया था नाइनटीन फोर्टी फाइव में आई थिंक वेवल प्लान है ना नाइनटीन फोर्टी सिक्स में कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है और इसके बेस में फिर कॉन्स्टिटेंट असेंबली बनी और फिर नाइनटीन फोर्टी सेवन में आज़ादी मिली ठीक सो क्रिप्स मिशन इंडिया आया 1942 में सो इन मार्च 1942 अ डेलीगेशन हेडेड बाय स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड लेफ्ट विंग लेबराइट केम टू इंडिया टू सीक इंडिया सपोर्ट इन वॉर एंड ऑफर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल इन रिटर्न गांधी जी रेफर इट एज इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक आप याद रखना है गांधी जी ने किस चीज को बोला था पोस्ट डेटेड चेक इसने क्रिप्स मिशन को बोला था पोस्ट डेटेड चेक क्योंकि इसने बोला था हम डोमिनियन स्टेटस देंगे बट आफ्टर द वॉर पावर ट्रांसफर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू डिड नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन वायलेंस नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सोशलिज्म नेहरू हैड हिज हायर एजुकेशन इन इंडिया ऑलनी नेहरू ट्रस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल प्लानिंग इसमें से हमें बोला करेक्ट क्या है ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि ये कभी नेहरू भी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे बोलते थे कि हमें जो है नॉन वायलेंस तरीके से जाना चाहे ये सोशलिज्म को फेवर करते थे इनने बाहर भी एजुकेशन हासिल की लेकिन हाँ इम्पोर्टेंस ये दे रहे थे नेशनल प्लानिंग को क्योंकि ये सोशलिज्म को फेवर करते थे जब नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने तो पहला इसको हेड किया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू सो so, नेहरू स्ट्रस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्लानिंग सो दिस इज द एंड ऑफ पी डी एफ आई होप जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी डू लाइक द वीडियो शेयर विद य फ्रेंड्स एंड यस राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है सीरीज आई विशो ऑल द बेस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ